महीना का आना, बहुत लेट से आना, और कभी कभी कम अमाउंट में आती है, और आती है तो बहुत दर्द के साथ, एकदम पेनफुल होती है, या फिर किसी महीने में आ रहा है, किसी महीने में नहीं आ रहा है, मतलब पूरा इरेगुलर पीरियड्स चल रही है। इस तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आइए, और आयुर्वेदिक की दवाएं स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके सिवाय आपके बहुत बाल झड़ रहे हैं और किसी को थायराइड की चेकअप करवाना है, ये सारा चीज़ मतलब। गुड मॉर्निंग गाइस, वापस से आज एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज के इस व्लॉग में मैं प्रसूति एवं स्त्री रोग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वैसे आज ज़्यादा पेशेंट नहीं आ रहे हैं, गुरु नानक जयंती है तो छुट्टी का दिन है, तो 2 घंटे के लिए अभी OPD खुला है, तो फिर ज़्यादा पेशेंट भी नहीं आ रहे, जो पुराने पेशेंट हैं वही लोग आ रहे हैं फॉलोअप के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ्री टाइम है तो क्यों ना एक अच्छा मैसेज दिया जाए आप लोगों को भी, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि पता नहीं रहता है जहाँ पे अच्छे ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में या फिर उस जगह के बारे में पता रहती नहीं है, तो मतलब और दूर चले जाते हैं या फिर मतलब ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है, अलग अलग। अगर आपने भी किसी तरीके से बहुत सारे जैसे PCOD हो गया और PCS जैसे बीमारियों का मतलब कहीं ट्रीटमेंट कराएं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है रिजल्ट उसका, तो आप एक बार आयुर्वेदिक ऑप्शन मतलब में ले रहे हो, ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो आयुर्वेदिक का, तो आपके लिए यहाँ पे आना एक अच्छा अवसर रहेगा, और आपके लिए स्वास्थ्य की बिल्कुल जांच के लिए यहाँ सारा चीज़ें उपलब्ध है। मैं किस किस चीज़ की यहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट करवा सकते हैं उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि ANC चेकअप होता है, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी जो बच्चे जो अंदर गर्भ में पल रहे हैं उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, उनकी दिल की धड़कन सब चालू है कि नहीं है अभी, मतलब उसके सिवाय और भी बहुत सारे रूटीन चेकअप होती है, जैसे कि सोनोग्राफी कराना, उनका ब्लड का टेस्ट करवाना और यूरिन कल्चर करवाना, इस तरीके से बहुत सारे ट्रिपल मार्कर डबल मार्कर से लेकर के बहुत सारे जो रक्त जांच के बाद ही ये सारा बीमारियों का पता चलता है, तो वो सारा चीज़ भी यहाँ से चेकअप करवा सकते हैं। यहाँ पर उतना अगर यहाँ पर नहीं होगी तो कहीं से भी करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए। इसके सिवाय जैसे किसी किसी को मुहासा आता है, मतलब पिंपल्स हो रहे हैं और पूरे फेस पे बाल आ रहे हैं, और इसके सिवाय बहुत सारे स्किन में रेसेस आते हैं जो कि मतलब हार्मोनल इम्बेलेंस होती है उसके वजह से आती है, तो वो सारा चीज़ का आपको चेकअप करवाना ही है या फिर उसकी जाँच मतलब ये ट्रीटमेंट करवाना है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आइए बिल्कुल, और यहाँ पर दोनों तरीके के डॉक्टर्स बैठते हैं यहाँ पर OPD में, छुट्टी को छोड़ करके बाकी दिनों में दोनों डॉक्टर बैठते हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर और एलोपैथी के डॉक्टर, और इसमें फीमेल एंड मेल डॉक्टर दोनों ही है। तो और जो एलोपैथी के डॉक्टर है डॉक्टर रूपाली वर्मा मैम, डेली का 2 घंटे का OPD रहता है उनका, 10 से 12 बजे का टाइमिंग रहता है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे का टाइमिंग रहता है, और बाकी जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनका तो टाइमिंग रहता ही है 9 से 1 बजे तक, तो आप लोग इस बीच में कभी भी आ जाइए। बहुत सारे पेशेंट आते हैं लेकिन उनको टाइमिंग का थोड़ा मतलब पता नहीं रहता तो कभी भी मतलब आ जा रहे हैं, यानी कि मतलब OPD बंद होने के समय में आ जाएंगे, सारे डॉक्टर्स चले जा रहेंगे तो उस समय आएंगे तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर सीधा अगले दिन के लिए बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम का आप ध्यान रखेंगे, और इसके सिवा और बहुत सारे जैसे बीमारियाँ हैं मैं बताने जा रहा हूँ एक एक करके। बहुत सारी महिलाएँ उनको इस तरीके का समस्या रहती है, जैसे कि सफ़ेद पानी आना, और पीरियड्स भी कभी रुक रुक के आती है, और आती है तो बहुत दर्द के साथ आती है, और बहुत सारे और आती है तो कभी कभी बहुत लंबे समय तक चलती है। तो इस तरीके का आपको किसी भी मतलब समस्या हो रही है, आपको आयुर्वेदिक का एक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइएगा यहाँ पर GAC रायपुर के जो अटैच हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है फुली, और इसका टाइमिंग मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पे कुछ लगता नहीं है, बस जो नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मैं जितना का पर्ची कटता है 10 रुपये में, तो वैसे ही यहाँ पे भी कटती है पर्ची, और उसके सिवाय जो नॉर्मल प्रोसीजर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो रहती है वैसे ही रहेगी। और इसके सिवाय जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझ है या फिर उनके सीमेन की मात्रा कम है, उसकी जाँच करवानी है क्या है, वो सारा चीज़ भी आपको दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको दोनों को हस्बैंड वाइफ को दोनों को आना है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपने पहले किसी तरीके के या फिर किसी डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया है तो उसकी सारी जितनी भी मतलब पावती या फिर जो भी रिपोर्ट्स जांच कराए रहते हैं वो सारा को लेके आइए, क्योंकि उससे एक आपकी जो समस्या है, आपकी जो स्वास्थ्य मतलब समस्या है उसको जांच करने में और पकड़ने में जल्दी आसानी हो जाती है, और उससे समझने में मतलब डॉक्टर को जल्दी आसानी हो जाती है, तो इसलिए वो सारा रिपोर्ट्स को आप
लेके आइए। और बहुत सारे लोग आते हैं, पहले ट्रीटमेंट कराए रहते हैं दो तीन जगह और वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे और वहाँ से शायद कुछ अच्छा हम लोग को इलाज मिलेगा, ऐसे करके सोच के आते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, और जो डॉक्टर बोलते हैं दोबारा फॉलोअप करने के लिए उसको रिपीट आपको आना पड़ेगा। तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जो समस्या है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप निश्चिंत रहिए करके आपको आश्वासन देंगे। और उसके सिवाय अगर आप ठीक नहीं हुए तो उसके लिए दवा चेंज करनी होगी या फिर जो भी डॉक्टर का निर्णय रहेगा वो सारा चीज़ बताएंगे, इसलिए दोबारा विजिट करना कंपलसरी हो जाता है OPD। तो इसलिए बोलते हैं डॉक्टर्स दोबारा आइएगा 15 दिन या फिर 10 दिन या फिर 1 सप्ताह के बाद। तो इस तरीके का आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, इसके सिवा और भी जो समस्याएं हैं गायनेकोलॉजिकल जो भी समस्याएं रहती है उसको लेकर के अगर आपको आना है तो आप बिल्कुल आइए। आयुर्वेदिक की दवाएँ स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और कोई भी डॉक्टर कहता है कि मतलब एलोपैथ के जो भी डॉक्टर में चले जाते हैं आप लोग दिखाते होंगे, तो आपको ये चीज़ नहीं लेना है, ये चीज़ मतलब आपके बेबी को थोड़ा सा समस्या क्रिएट कर सकता है, इस तरीके का उन लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेद में भी ऐसा कुछ कुछ कंडीशन पे अप्लाई होता है, लेकिन बहुत सारे जो दवाइयाँ रहती है जो भी इलाज रहती है वो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही एकदम फेवरेबल है और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आज का कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से था, और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों या फिर किसी भी फैमिली में शेयर करना है तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं कोई एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।